खत है जाड़िया, वो तेरा खत है जाड़िया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जाड़िया वे, वो मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाड़िया, तेरा खत है जाड़िया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जाड़िया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे, जब साथ होते हैं, जब पास होते हैं, मेरी ही तेरी ही से कहे, that I found love, I found it in you. Namaste Bharat, Salaam Bharat, and Hello Bharat. आज हमारे साथ हैं दो सुपरस्टार एक्टर्स जिनका अंधाधुन टैलेंट आप देखेंगे उनकी नई फिल्म में, जिसका नाम है गेस अंधाधुन। एंकर एक्टर सिंगर आयुष्मान खुराना और उनके साथ हैं आपके होस्ट की दोस्त द मोस्ट ब्यूटीफुल तब्बू। अंधाधुन क्या है भाई? अंधाधुन सर एक फिल्म है जिसमें मैं एक ब्लाइंड पियानिस्ट हूँ और ये मेरी जान की दुश्मन है, पता नहीं क्यों है, वो फिल्म के अंदर पता चलेगा। सर ऐसी कुछ मिस्ट्री है, बोल देंगे तो श्रीराम राघवन गुस्सा हो जाएंगे। सर उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी सर। एक्चुअली उनकी शॉर्ट फिल्म थी जो बाद में फिल्म में बनी, तो वो उस जोन ऑफ सिनेमा के फ्लैग बियरर किंग है। हमसे भी ऐसे कुछ करवाया उन्होंने, मुझसे। आप सोचो मुझसे भी सोचो, आपसे तो कोई भी कुछ पर्दे पे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि हुनर, ओह टैलेंट, एंथुसियाज्म, पैशन, लगाव, ये सब कुछ नहीं होते हुए भी देखो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है फिर भी चल रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा खासा चल रहे तो आए हम खेलते हैं 10 का दम। आओ, तो दो साल जो आज हमारे साथ करेंगे कंपीट वो है तब्बू एंड आयुष्मान खुराना। तो इस राउंड के रूल्स मैं आपको बताई देता हूं। सो इस राउंड में है 7 अनोखे सवाल एंड जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान सही होंगे वो हो जाएंगे लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे मेरे साथ सुपर सवाल। कितना मिलेगा जीतने पे? So, सुपर सवाल के अंदर ये है कि उसमें आपकी जमा पूंजी 10 गुना बढ़ सकती है। ओके 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 ओके। सो इफ यू विन 40 देन इट बिकम्स 4 लाख। जी। एंड अगर 50 और अगर 60 जीते तो 6 लाख और 70 जीते तो 7 लाख। 70 तो है ही नहीं ना, 20 ऊपर जाते हैं। सॉरी मुझे लग ही रहा है कि आज मैं हारने वाली हूँ। अरे जो हार के जो जीते क्या है वो, उसे बाजीगर कहते हैं। ये एक बहुत ही महान कलाकार ने ये डायलॉग बोला था। वो भी आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। मेरे करण अर्जुन आ गए। तो लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न है ये कि
कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी चाय से मक्खी हटाकर वही चाय पी ली है? What percent of Indians have at least once removed a fly from their tea and had the same tea? आप लोगों ने पिए कभी मक्खी निकाल कर चाय? क्या मैंने पिए भाई? सर क्या बात कर रहे हो? मैंने प्लेट से मक्खी निकाल के खाना खाया। प्रोटीन है। हाँ, बिग डील। खाने के ऊपर बैठे ना तो फिर भी उड़ा के खा लो। चाय में मर जाती है वो। तो कोई मरी हुई चीज खाते नहीं हो आप? खाता हूँ नॉनवेज। बेचारी मक्खी का क्या दोष इसके अंदर यार? मक्खी नहीं खा सकते। मक्खी इज गोइंग टू वेस्ट। मक्खी तो फिल्म भी बनी है। मक्खी तो हीरो है। ये लो पड़ी मक्खी यार। ले लो जल्दी। ये लो इसको से निकाला, फेंका और वो चाय की पत्ती थी, मक्खी अंदर गई। मक्खी क्या चिपकली निकाल के खाएंगे? That's too much. So, अनुमान लगाइए और आपके पास 15 सेकंड है। On your marks, get set, ready, go. तो आपने लगाया 26% पर और तब्बू ने लगाया 70% पर। आओ रोलू द गोलू, बताओ कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं, कूल भारतीय हैं जिन्होंने चाय वेस्ट नहीं की। हाउ डिस्गस्टिंग, आप मक्खी खा जाती हो? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आपके पास कमी क्या है? दूसरा चाय का कप मंगा लो आप। एग्जैक्टली अनहाइजीनिक, नॉट गुड फॉर सिस्टम। दुनिया को पता है कि मक्खी खाने के लिए हानिकारक होती है। क्या पलटू है यार इस। अरे बट आई लाइक के हिंदुस्तान कितना हेल्थ कॉन्शियस है। हाँ, तालियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी स्टूडियो जाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाई है? What percent of Indians have taken a family photograph at a photo studio at least once? जो हमारे नाना है उनका ये था कि हर संडे को वो फोटो स्टूडियो जाते थे पूरे परिवार के साथ। हर संडे को एंड वो जाके फोटो स्टूडियो में पूरे परिवार के साथ तस्वीर निकालते थे। हमारा उल्टा है, हमारे बचपने की कोई तस्वीरें नहीं है। अच्छा, हमारे जो इंदौर में जो फैमिली है उनके पास बहुत सारी तस्वीरें हमारी। सर आउटडोर में? अच्छा इंदौर में। इन सॉरी, इंदौर। हाँ अच्छा था ये। चले आगे बढ़े। तो 15 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके। ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो। बहुत अच्छे। आयुष्मान खुराना ने लगाया है 70% पर और तब्बू ने लगाया है 60% पर। आए रोलू दो गोलू, दिखाओ कि कितने ऐसे प्रतिशत भारतीय हैं जिन्होंने स्टूडियो में जाकर परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई है। मुझे तो लगता है 70 से भी ज्यादा होगा शायद। आई थिंक सो एक्चुअली। 80 भी हो सकता है। या कम होगा? कम होगा? आई थिंक सो। हाउ मच? शायद कम होगा। आई डोंट नो। 80 भी हो सकता है। देखते हैं। कभी कभी फोटो से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है तस्वीर के पीछे की कहानी, बैक स्टोरी, बिहाइंड द सीन्स। हमारे पास आप दोनों की कुछ तस्वीरें हैं। ओह माय गॉड, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। सर कैसी फोटोज लेके आए? इनकी माफ की। माफ किया आपको? सर दिखाने से पहले माफी दे दो सर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और फिर इसके पीछे की स्टोरीज हमको बतानी पड़ेगी क्या चल रहा था। प्लीज ऐसे हम गेस करें मस्ती में। पहले फोटो। तो ये इनकी तस्वीरें मेरी थोड़ी हैं।
सर हमारा भी ट्विस्ट है सर, कोई ऐसी बात नहीं है। आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ। अरे ये फोटो सेशन हुआ है शायद घर के लॉन में ही। अब आप स्टोरी बताइए इसके पीछे। सर इसकी स्टोरी है, मैं टाइगर हूँ, सिर्फ झाड़ियों में बैठता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर। सर ये ऐसा रोज का नहीं है। वंस इन अ मंथ। नहीं नहीं उस दिन वो मेल टॉयलेट में काम चल रहा था तो लोग यही यूज कर लो। क्या काम चल रहा था? पता नहीं कुछ रिपेयर का काम चल रहा था तो जहाँ जिम में गया था कहते ये वाला यूज कर लो तो फिर मैं सेल्फी। अच्छा डिफरेंस है क्या सिंस आप यूज कर चुके हो? वो यूरिनल्स होते हैं वहाँ होते नहीं उधर। नहीं होते? नहीं ऑफ कोर्स कैसे करेंगे वहाँ पे। मैं कभी गया नहीं हूँ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर थोड़ा पिंक था। हाँ पिंक था सब कुछ। हाँ और वो जो ऐसे बने होते ना यूरिनल्स टाइप। हाँ जहाँ हम खड़े होके। हाँ वहाँ वो नहीं होते। वो नहीं होते? नहीं। वहाँ पे सिर्फ टॉयलेट्स होते हैं। सर टॉयलेट्स एंड सीट इज ऑलवेज डाउन। ऑलवेज डाउन उसको उठा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली हाँ तो फिर जब उठाने तो नीचे क्यों? इट वाज डाउन सो आई मैंने पैर से थोड़ा सा उठाया तो। और आप इंग्लिश पॉट पर इंडियन स्टाइल में बैठे थे? नहीं सर। नहीं बहुत लोगों की आदत है ये जिनको इंडियन स्टाइल की आदत है सर। हाँ। मैं तो रास्तों में भी गया हूँ तो पूना हाईवे में बेस्ट। हाँ बेस्ट। हाँ? मैं जाते रहता हूँ। ट्राई सर यू शुड इट्स द बेस्ट यू शुड डू इट। ओके सर सर डन सर सब कॉल पक्का करना करना। दैट्स दैट्स ए नेचर कॉलिंग। हाँ और ये तो अभी की है भाई। करीबन दो ढाई महीने की। सर ये है डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन मत दो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं। शो के पहले की तस्वीर है जब मैं जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहे हैं आप सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि भाई कुछ अभी गिर भी नहीं जाऊं स्लिप विप ना हो जाऊं स्टेप अपने ना भूलूं। स्टेप कौन सा स्टेप? अरे यू हैव नो आइडिया मैं इतना अच्छा नाचता हूँ आजकल शोज में कि परेशान हो गए इस बार कटरीना जैकलीन सोनाक्षी एवरी शो आई परफॉर्म। दे हैव लॉस्ट देयर प्लेस इन द इंडस्ट्री नाउ फिनिश सो वेल। एक और तस्वीर आ रही है। So sweet. I love this picture. ये कहाँ की तस्वीर है? विक्रम फडनिस का शो था। I was the showstopper. अमित जी was there. मैं क्या कर रहा था वहाँ पर? She was the showstopper, पर आपने शो स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। ए तुम क्या बोल रहे हो यार? Showstopper तो। विक्रम पुष्ट यू ऑन स्टेज। आई थिंक विक्रम मस्ट हैव पुश्ड मी ऑन स्टेज। यस। नेक्स्ट पिक्चर। आपने किसका ऐड किया था? झाग वाला। हाँ सर ये तस्वीर कह रही है कि मैं सिर्फ शर्ट ही नहीं उतारता मैं नहाता भी हूँ। बट ओनली एट होम। यस सर। और ये फोटो किसने लिए? दिस इज योर होम? नहीं ये किसी फिल्म का शॉट है। ये सर दिस इज द लव फॉर द सोप फ्रॉम योर फिल्म ओ मेरे साबुन ओ मेरे साबुन 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 ओ मेरे साबुन
मेरा दिल भी कितना साबुन है जो प्यार दिल से करता है. दिस इज फ्रॉम हम आपके पर हम आपके कॉम में ये कब था? चॉकलेट लाइम जूस. चॉकलेट लाइम जूस. आइए आपसे आपका तीसरा सवाल पूछता हूँ. आपका तीसरा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी रेडियो पर कोई गाना सुनने की फरमाइश की है? What percent of Indians have at least once requested for a song on a radio show? याद है पहले झुमरी तलैया से एक रिक्वेस्ट आता था और कितने लोग रिक्वेस्ट करते थे झुमरी तलैया से. सर फौजी भाइयों की पसंद एक शो आता था. हाँ फौजी भाइयों की पसंद. बिना का गीत माला. पैसे दिए उन्होंने आपको? हाँ सर रेडियो में काम करता था. रेडियो अच्छा ये जॉकी. आप जॉकी की बात करें जॉकी श्रॉफ की बात करें या जॉकी भगनानी की? आप जॉकी फर्नांडिस की बात कर रहे हैं? I am just joking sir. जॉकी. चलो एक माहौल बनाते हैं यहाँ पे. रेडियो से निकाल के इनको टीवी पर ले आते हैं हम. हाँ ताकि हम देखें तो आप करते क्या थे. एक छोटे से ट्विस्ट के साथ करेंगे हम ऑब्वियसली. चलिए माहौल बनाते हैं. ओ पाजी सर जब मैं रेडियो में काम करता था मेरे एक तकिया कलाम हुआ करते थे. दिल्ली में काम करता था तो फिर हाय मैं हूँ मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान नीम अकीम खतरा है जान उससे बढ़कर आयुष्मान बदरपुर से बल्ली मारान मैं हूँ आयुष्मान ये बेस्ट है. द्वारका से धौला कुआं मैं हूँ आयुष्मान. लेकिन अभी अभी मैं आयुष्मान नहीं हूँ. अभी मैं बनना चाहता हूँ आरजे माचिस क्योंकि रात का शो करूंगा तो आरजे माचिस आग लगा दे. तो नमस्ते मैं हूँ आरजे माचिस आग लगा दे. फर्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो. फोन उठाने से पहले से हेलो. बड़ी उतावली फर्स्ट कॉलर है. आरजे माचिस दिस साइड हु इज दैट साइड? हेलो आरजे माचिस मैं हूँ लवर गर्ल अंडरस्कोर बेबी डॉल. यार तुम अपना ईमेल आईडी क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं ये ना मेरा कोड है. आप सनी लियोन की कजन है मदर की साइड से? आपका क्वेश्चन क्या है बेबी डॉल? मेरा बॉयफ्रेंड है उसका नाम है लवर बॉय अंडरस्कोर बाबूलाल. वही प्रॉब्लम है. अगर वो ओवरस्कोर होता तो शायद प्रॉब्लम ना होती वो अंडरस्कोर. चलो एनीवे आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है. वो प्रॉब्लम ये है कि वो आपका बॉयफ्रेंड अंडरस्कोर बाबूलाल है. बेसिकली ये भी स्कोर में वो भी स्कोर में दोनों ने स्कोर नहीं किया. प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन लेकिन क्या बेबी डॉल जब भी मैं उसे किस करना चाहती हूँ मैं वापस लौट जाती हूँ. क्यों? क्योंकि उसकी नाक बहुत बहती है और मैं उस बाढ़ को हैंडल नहीं कर पाती. अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि बहती गंगा में हाथ धो लो. मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ. जब भी उसमें उसके नाक में कपड़े का जो क्लिप होता है ना वो लगा लो और मुंह पर टाके वो लगा लो और तुम किस करने की कोशिश करो ना बहेगी नाक ना रुकेगा पाप. तेरे चुम्मे में चवन प्राश है. I love you, RJ Masters. आपने सारे problems मेरे सुलझा दिए. Thank you so much. अरे ये तो हमारा फर्ज था. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो 15 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके. On your marks, get set, ready, go. अबू ने 30 और आयुष्मान खुराना लगाया है 23% पे. आए रोलू तो गोलू दिखाओ कि कौन जीता और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो पे गाने की दरख्वास्त की है. ओहो जीत गई. कितना अच्छा लग रहा है.
कितना कितना खराब लग रहा कुरान साहब. सर मन कर रहा है कि मर जाओ. थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड. आप ये पैसे घर लेके जाओगी या किसी नोबेल कॉज के लिए खेल रही हो? एक हाँ फाउंडेशन है, द फाउंडेशन. एक फाउंडेशन है, द फाउंडेशन. वाओ वेरी नाइस. ये राहुल बोस चलाते हैं. बहुत अच्छा काम करता है राहुल. ही बच्चों के साथ एंड या बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एजुकेशन वगैरह. आई लाइक व्हाट ही इज डूइंग. आप क्या काम करते हो सरकार? सर गुलमेहर दिल्ली एक फाउंडेशन है. हाँ. उसके लिए मैं डोनेट करना चाहूंगा. ईस्ट दिल्ली के जो रैक पिकर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं. अरे बहुत अच्छा. उनको आर्टिसंस बनाते हैं, अलग काम जो कर सकते हैं, जो आर्टिस्टिक हैं उनको आगे बढ़ाते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे. अच्छा यू नो एक यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी फैन है जो कि आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं. कहाँ है भाई वो फैन? हेलो सलमान सर. हेलो तब्बू मैम. हेलो. आई एम अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ आयुष्मान. मुझे आपके लुक्स, आपकी एक्टिंग, मुझे आपकी सिंगिंग बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. मेरा फेवरेट गाना है पानी दा रंग. तो प्लीज़ दो लाइन प्लीज़ 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 सुना दीजिए. हाउ स्वीट. दिस वन इज़ फॉर यू. माहियाना आया मेरा रांझणा ना आया खादा नूर देख के अखियां चो हंजूर उड़ दे. थैंक यू. आप इनको अंडरएस्टिमेट मत करना. चीज़ ब्रिलियंट टक्कर देती हैं. कुछ नहीं, ब्रिलियंट टक्कर देती हैं. टक्कर सबसे मिट्टी मारती हैं. हाँ, कमान यार. सर, मैंने इनको सेट पे सुना है. अरे गुनगुनाते हुए. अरे सेट पे. नहीं, अभी गाते हुए सुनेंगे. कितने प्रतिशत भारतीय सुनना चाहते हैं तब्बू? 100%. Your favorite song. आप गाओगे? आ कहीं दूर चले जाएं हम, आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना के हमें छू न सके कोई. कहीं दूर चले जाए. चलो. ओ प्लीज. आपके चलन किधर है? आपका फेवरेट गाना मुझे आपके गानों में से मेरा फेवरेट है पायली चुनमुन चुनमुन. आप बस वो कीजिए जो किया था फिल्म के अंदर. मैं गाऊंगा पायली चुनमुन चुनमुन और आप वो करना. मैं सानू साहब का फैन हूँ. पायली चुनमुन चुनमुन, पायली चुनमुन चुनमुन, चंचनन चूड़ी बोले, चंचनन पुरवा डोले, कोयल सी धरती और गगन. ऐसे कुछ है. Okay, thanks. Okay, बहुत अच्छे. Okay, तो आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने स्कूल में कभी किसी का टिफिन चुरा के खाया है? What percent of Indians have at least once in school stolen someone's tiffin and eaten it? मैंने नहीं चुराया. आपने चुराया है? सर सेकंड पीरियड में खा लेता था. श्योर. रिसेस से पहले. हाँ.
क्यों लेकिन यार भूख लगती थी बहुत ज्यादा। नहीं किसी और का चुरा के खाने की कैसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आता था सुबह सुबह व्हाई स्टील एनीबॉडी एल्सस फूड सर लंच ब्रेक में फिर मैं अपना खाना होता ना फिर सेल्फिश मैं तो एक्सचेंज कर लेती थी मुझे अपने घर का खाना कभी अच्छा like नहीं लगता शेयरिंग इज केयरिंग यार हैदराबादी फूड नेवर लाइक दैट मुझे वो साउथ इंडियन येलो राइस टैमरिन राइस बहुत अच्छा लगता था या सो मेरी एक फ्रेंड थी प्रसन्ना एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू शेयर आवर टेबल ओह लवली या शी यूज्ड टू लव माय होम फूड कितनी प्रसन्न हो गई होगी प्रसन्ना बात बताओ मैं आपको हां बताइए ना गौर से सुनना 15 सेकंड है आपके पास और निमास कैसे रेडी गो आपने लगाया तब्बू 25% पर और आयुष्मान खुराना साहब ने लगाया 48% पर आए देखें कि कितने ऐसे चोर हैं जो कि टिफिन खाते हैं किसी और का इन स्कूल कम ऑन रोल द गोलू ये सब चोर है आई एम प्राउड ऑफ यू लेकिन आप दुखी मत होइए आपके पास 3 और सवाल हैं जो मैं जीतने वाली हूँ अच्छा तो मुझे एक बात बताओ जब आप अपने आप को पर्दे पे देखते हो यू प्लेइंग अ ब्लाइंड मैन तो क्या प्रिपरेशन की है आपने इसके लिए ब्लाइंड स्कूल जो वर्ली में है वहाँ प्रेप के लिए गया था मैं धीराम राघवन के साथ एंड एक पियानिस्ट से मिला था ब्लाइंड पियानिस्ट से उसको मैं नोटिस करता था क्या बॉडी लैंग्वेज की क्या है दैट्स हाउ आई लर्नड तो आपकी फिल्म की तरह ही एक गेम खेलेंगे बाजी यहाँ पर आंखों का नहीं सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा पहले ब्लाइंड फोल्ड करेंगे अब इनके प्रॉप्स लेके आओ आपके सामने होंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स अब हाथों का इस्तेमाल करके बताएं कि क्या है सर कुछ कीचड़ टाइप लग रहा है मुझे सर ये रिंकल रिंकल पड़े हुए इसके कुछ हाँ जुनिया रिंकल रिंकल बात चली है पता चला है पता नहीं सर ये डेट खजूर टाइप है कुछ अरे मत कहो इसमें फिनाइल मारा है इन लोगों ने आइए आपका नेक्स्ट बोल हाथ पे चिपक रहे हो खजूर चिप चिप कर रहा है हाथ पे कुछ मखमली सा महसूस हो रहा है सर इट्स वो तो नहीं बिजली गिराने में हूँ आई टाइप कुछ ये लो अगला वाला मुझे करना है भी ये तो ऑफ कोर्स ग्लासेस हैं सर ये तो दबंग वाले ग्लासेस सर आपके अच्छा ये आपको दबंग वाले चश्मे लग रहे हैं आपको सर मुझे दिख नहीं रहे पर फीलिंग वही आ रही है Take a picture of his in these. Sir, आपके साथ sir. हाँ ये लीजिए. ये क्या है? Sir ये कुछ चुभन चुभन सा. Sir पता नहीं sir भुट्टा type feeling आ रही है मुझे पर. करेला भी हो सकता है. क्या कर रहा है या एक वही इट्स क्वाइट हार्ड बट इट्स प्रिकी आल्सो द सेम टाइम सर अक्यूपंचर हो क्या अच्छा करेक्ट बस अब ये लास्ट वाला या सर ये क्या दलिया चावल दाल करेक्ट उसी टाइप का है क्या है सर ये उसी टाइप का गून कतीरा बोलते हैं हम नॉर्थ में हाँ फालूदा में जाता है ये तकमरिया बोलते हैं गुजरात में आई थिंक
करेक्ट है पाजी, वाओ, अब इसको लेके जाओ। आपका अगला प्रश्न आफ्टर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट रहा के कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी विदेश यात्रा की है? What percent of Indians have traveled to a foreign country at least once? आपके पास 15 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। On marks, get set, ready, go. Oh no! Oh yes! तो आयुष्मान खुराना साहब ने लगाया था पहले 30% पर, फिर आए 29% पर, और तब्बू ने लगाया था 30% पर, और टिकी रही 30% पर। रोलू द गोलू, आओ बताओ कि कितने प्रतिशत भारतीय एटलीस्ट वंस फॉरेन कंट्री ट्रैवल की हैं। हर एक सवाल के बाद ये आप ये क्लिप निकाल के यहाँ पे क्यों रख देती हैं? ये मेरा आई थिंक कुछ वो है, लकी अनलकी कुछ। अच्छा, ये कुछ सुपरस्टिशन हो गया है, अब मुझे जीतना है। ये रिंग किसी ने दिया आपको? सर मैं ऐसी रिंग लूंगी। नहीं, इसलिए तो रख रही हो आप। कभी नहीं। नेक्स्ट, आपका छठा प्रश्न ये है के कितने प्रतिशत भारतीयों को कभी पहली नजर में किसी से प्यार हुआ है? What percent of Indians have at least once in their life fallen in love at first sight? आपके पास 15 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। On marks, get set, ready, go. Come on, Rolu the Golu, बताओ कि love at first sight at least once कितने लोगों को हुआ है? Oh, quite close. हमारे साथ खेल रही हैं तब्बू एंड आयुष्मान खुराना। आइए अब हम आपसे आपका सातवां और आखिरी प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अपने भाई या बहन के कपड़े चोरी छुपे पहने हैं? तो खुल के पहने? चोरी छुपे? हाँ, खुल के पहने। अभी भी पहनते हो? What percent of Indians have at least once secretly worn their siblings' clothes? मैं जाता था किसी मॉडलिंग कैंपेन के लिए, इस्त्री करता था कपड़ों को, जूतों को रखता था, ऑडिशन के लिए जाता था, मैं निकलता था नहा के, अरबाज वो कपड़े कॉलेज पहन के जाता था। और उस वक्त होते थे क्या, 3 शर्ट, 1 जीन्स, 2 पैंट, तो उसी के कॉम्बिनेशन पहन पहन के पहन पहन के पहन पहन के अरबाज देखो यार। And then, अभी नो मोबाइल फोन नहीं, कुछ नहीं, कहाँ गए, कौन कहाँ पकड़ोगे? हाँ, फिर लैंडलाइन से किसी दोस्त को फोन करो, यार वो शर्ट लाते जो तुमने उस दिन पहना था। कितना फायदा हुआ होगा ना उनको आपके कपड़े पहन के जाने का। आपके पास 15 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। On marks, get set, ready, go. आयुष्मान खुराना साहब ने लगाया है 43% पर और तब्बू ने लगाया है 41% पर। Come on, roll the galoo. तब्बू जीत चुके हैं नॉकआउट राउंड और खेलेंगे हमारे साथ सुपर सवार, और आयुष्मान खुराना जीत चुके हैं 60,000 रुपए, तब्बू 20,000 रुपए अहेड है। पाजी कम हेयर, पाजी ये देखो 60,000 रुपए का आपका चेक। आप इनको मॉरल सपोर्ट देंगे टू प्ले सुपर सवाल। सो लेट्स प्ले सुपर सवाल।
तो बता देता हूँ मैं आपको सुपर सवाल क्या है। आपने अभी तक जीते हैं 80,000 रुपए। अगर आपका अनुमान सही होगा आप जीत सकते हो 8,00,000 रुपए, माने के 10 गुना ज्यादा। और इस सवाल में खिड़की है 10% की। रेडी, आपका सुपर सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीयों के फोन का वॉलपेपर कोई धार्मिक फोटो है? What percent of Indians have a religious photograph as their phone's wallpaper? 30 to 40 भी हो सकता है। पे आप सेट करना चाहती हैं इसको या थोड़ा सा और सोचेंगी? I'm confused. I'm going to lose this. Okay, that's it. तब्बू मैम ने लॉक किया है 51% से लेके 61% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं who on their phones have a धार्मिक religious photograph as their wallpaper. Come on, Rulu the Guru, आओ बताओ कैसे कितने हिंदुस्तानिया हैं। What is this? Buck up India. इतने नास्तिक लोग हैं यहाँ पर। ओहो, तो आप लेके जाएंगी यहाँ से सिर्फ 80,000 रुपए और आप 60,000 रुपए, लेकिन आपको सोनी टीवी के ओर से आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिलेंगे 5,00,000 टू ईच। आप लेके जाओगी 5,80,000 रुपए और आप लेके जाओगे 5,60,000 रुपए। आओ पाजी। ये रहा आपका चेक 5,80,000 रुपीज। तो आयुष्मान एंड तब्बू ने खेला है 10 का दम हमारे साथ फॉर अ वेरी नोबल कॉज। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छा काम करो, हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो एंड बीच में डू व्हाटएवर यू वांट।